हाय फ्रेंड्स, आइए आगे बात करते हैं जीजी बिटवीन स्टेट्स की। ये एक ही चीज़ है, एक ही फंक्शन है जो कि पांच तरह के चीज़ों को हैंडल करता है। अगर हमारे पास दो ग्रुप होंगे तो लगेगा टी या वेल्च, और दो से ज़्यादा होगा तो लगेगा वन वे नोवा या वेल्च। इनमें क्या फ़र्क है? टी और वेल्च में अगर वेरियंस इक्वल हैं तो लगेगा टी, और वेरियंस इक्वल नहीं है तो हमें लिखना होगा एफ, तो वेल्च बन जाएगा। दोनों ही केस में अनोवा का भी ये सब्स्टिट्यूट है। और टी टेस्ट अनोवा के लिए हमें टाइप इज इक्वल टू पी टाइप करना पड़ेगा पैरामीट्रिक, और अगर नॉन पैरामीट्रिक करेंगे तो यू या एच बन जाएगा। तो यू टेस्ट, टी टेस्ट, एच टेस्ट, वन वे अनोवा और वेल्च, ये पांच टेस्ट के लिए एक ही चीज़ है, जीजी बिटवीन स्टैट। हमने टी टेस्ट करके देख लिया है और उसके तीन वेरियंट। आइए वन वे अनोवा को देखते हैं, इसके तीन वेरियंट्स। सबसे पहले मैं देखना चाह रहा हूँ कि मेरा ये जो है, देखिए यहाँ पे जो मेरे पास MPAA है, इनकी जो रेटिंग है वो यहाँ पे गिवन है R, PG-13 और PG, राइट? और मैं ये देखना चाह रहा हूँ क्या इनकी जो रेटिंग है इसके अनुसार सेम है या डिफरेंट है। तो फंक्शन होता है टी अप्लाई। तो टी अप्लाई ने कहा कि इसका जो, और मैंने मीन फंक्शन यूज किया है, PG की है रेटिंग 5.8, PG-13 की 5.9 और R की है 6.13। ओके, तो क्या इनमें सिग्निफिकेंट डिफरेंस है तीनों में? तो मैं यूज करता हूँ AOV, जो कन्वेंशन आर के अंदर हम यूज करते हैं। और समरी, समरी ने इसने बताया एफ वैल्यू बहुत ही छोटी है, एफ वैल्यू 8 है और पी वैल्यू बहुत ही छोटी है, सिग्निफिकेंट डिफरेंस है। ओके, तो क्या डिफरेंस है? तो ये जो AOV है इसको मैंने डाल लिया था ए में, और टकी HSD इसको यूज कर रहा हूँ, और इसका आउटपुट मैं टी में डाल रहा हूँ। तो टी ने मुझे बताया पेड कंपैरिजन करके डिफरेंस लोअर अपर, और पी वैल्यू देखिए, PG-13 और PG में तो कोई डिफरेंस नहीं है, ये तो ऑलमोस्ट सेम है, लेकिन R वाली जो रेटिंग है वो PG-13 और PG दोनों से सिग्निफिकेंटली डिफरेंट है। इसको प्लॉट भी कर सकते हैं हम, और इसका मीनिंग ये निकला, जो ये जीरो वाली लाइन है जिस ग्रुप को काटे उसमें कोई डिफरेंस नहीं है, तो PG-13 और PG में कोई डिफरेंस नहीं है, लेकिन R जो है वो दोनों से सिग्निफिकेंटली डिफरेंट है। ओके, क्योंकि ये लाइन 0-0 इसमें नहीं फॉल कर रहा है इस इंटरवल में। अब ये जो मैंने इतनी चीजें लिखी हैं इसको हम एक में देख लेते हैं। जीजी स्टैट डाटा का नाम, एक्स मेरा इंडिपेंडेंट वेरिएबल जो कि कैटेगोरिकल है, तीन कैटेगरी है, तो अपने आप यहाँ वन वे अनोवा हो जाएगा, प्रोवाइडेड मैं टाइप इज इक्वल टू पी लिख दूं और वेर इक्वल टू टी। अगर यहाँ पे एनपी लिख दिया तो यही बन जाएगा नॉन पैरामेट्रिक टेस्ट, तीन कैटेगरी है तो एच टेस्ट बन जाएगा। आई होप आप मेरे साथ हैं, क्योंकि ये बेसिक्स हम पहले कर चुके हैं। अगर मोर देन टू ग्रुप हैं और मैंने लिखा है पी पैरामेट्रिक टेस्ट जिसमें वेरियंस इक्वल हो तो वन वे अनोवा लगता है। मोर देन टू कैटेगरी हैं, पैरामेट्रिक है लेकिन वेरियंस इक्वल नहीं है तो वेल्च लगता है, और नॉन पैरामेट्रिक है तो एच टेस्ट लगता है। तो अभी हम सिंपल वन वे अनोवा देख रहे हैं। तो पी और टी पेयर वाइज डिस्प्ले मैंने कर दिया एस। ये मैंने टी टेस्ट में भी किया था, वहां इसका कोई मीनिंग नहीं था। अब इसका देखते हैं, अब इसका कोई मीनिंग है क्या? तो अच्छा, यहाँ पे एस का क्या मतलब है? एस का मतलब है सिर्फ उनको डिस्प्ले करे जो सिग्निफिकेंट हो। ओके, तो आइए, इतनी इंफॉर्मेशन आ गई है, एक बार मिलाते हैं, बहुत सारी इंफॉर्मेशन आ गई है। सबसे पहले तो एफ वैल्यू मेरी आई थी 8.35, 8.35 करेक्ट, डिग्री ऑफ फ्रीडम था, डिग्री ऑफ फ्रीडम 2, 1576, ठीक है। पी वैल्यू है 0.000246, तो इसने कहा 2.46 × 10⁻⁴, वही है, सेम है। ओमेगा स्क्वायर ये अलग से देता है, इफेक्ट साइज वगैरह, कॉन्फिडेंस इंटरवल्स वगैरह दे दिया, नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन 1579। तीन ग्रुप हैं तो मैंने यहाँ टी अप्लाई से निकाला था। PG-13 का मीन है 5.81 करेक्ट, इसका 5.9, और तीसरे का है आर रेटिंग वाले का 6.13। आर रेटिंग वालों की थोड़ी सी हायर लग रही है मुझे एज कम्पेयर टू अदर। जब हमने पोस्ट ऑक टेस्ट किया तो इसने बताया कि PG-13 और PG में कोई डिफरेंस नहीं है, तो ये है PG-13, ये PG, इनमें कोई डिफरेंस नहीं है। ऊपर जो दिया है ये दिया हुआ है कि R का और इससे डिफरेंस है, पी वैल्यू छोटी है, R की R रेटिंग और PG-13 इसमें भी छोटा आ रहा है पी वैल्यू, यानी सिग्निफिकेंटली डिफरेंट है। नीचे इन्होंने लिख भी दिया, पेयर वाइज टेस्ट स्टूडेंट टी टेस्ट लगाया है, कंपेरिजन शोन ओनली सिग्निफिकेंट, क्योंकि मैंने यहाँ पे लिखा है ना एस, इसका मतलब सिर्फ सिग्निफिकेंट को ही दिखाएं, इनसिग्निफिकेंट ना दिखाएं। तो जो कनेक्टेड है आपस में ये पोस्ट हॉक है, ये उनके साइज हैं तीनों के और तीनों के मीन हैं,
तो कंक्लूजन ये निकला कि आर रेटिंग वाला दोनों से फर्क है और थोड़ी हायर रेटिंग है, बाकियों की रेटिंग हर हायर नहीं है। ओके फर्दर इसमें अगर हम ये कहें कि आउटलायर भी दिखाए तो हम सिंपल कर सकते हैं कॉमा, मैंने ये चीज अभी हैश किया हुआ है, हैश मतलब इसको रन ना करें, आउटलायर टैगिंग इज इक्वल टू ट्री। तो यहां पे आउटलायर ये दिखाना चाहिए इसको कि कौन कौन से आउटलायर हैं चार्ट के अंदर यहां पे। सो लेट्स वेट फॉर अ मिनट। ये बोलता है कि वार्निंग पे ध्यान ना दिया करें, ये बोलता है स्पेस वगैरह कम है, तो यहां पे 8.8, 8.89 ये रेटिंग इसकी काफी कम है, इसकी ज्यादा है, इसमें फर्क आ रहा है PG-13 में। ओके तो इनके नाम क्या है, कौन सी थी, तो आप कर सकते हैं आउटलायर लेवल इज इक्वल टू टी यानी ट्रू, आउटलायर लेवल इज इक्वल टू, सॉरी यहां तो कॉमा आएगा और यहां आएगा इज इक्वल टू टाइटल। ओके लेट्स रन। तो इनके जो इस रेटिंग की जगह इनके नाम आ जाने चाहिए, ये कौन सी मूवी है, नीचे वाली कौन सी मूवी थी। तो सबसे ज्यादा लॉर्ड ऑफ द रिंग्स, लॉर्ड ऑफ द रिंग्स, लॉर्ड ऑफ द रिंग्स, तीनों जो इसके पार्ट हैं इसके काफी ज्यादा है, जबकि यू गॉट सर्व्ड, सन ऑफ द मास्क, फ्रॉम जस्टिन टू कैली इनके थोड़े से कम लग रहे हैं। तो PG-13 में इनके काफी हाई रेटिंग है लॉर्ड ऑफ द रिंग्स वाली मूवीज की, इनकी रेटिंग काफी अच्छी ऊपर गई है, इसकी काफी कम है रेटिंग। ओके और इसी तरह से वेल्च के अंदर हमें क्या करना पड़ेगा, सिर्फ हमारा वेरियंस डॉट इक्वल अगर फॉल्स करेंगे, रेस्ट ऑफ द थिंग्स आर द सेम। अच्छा ये अभी तक यहाँ पे वायलिन प्लॉट है बाई डिफॉल्ट, इसको वायलिन प्लॉट बोलते हैं, मैंने इसको कर दिया बॉक्स, सिर्फ बॉक्स आए इसमें। ठीक है ये सारे आर्गुमेंट्स ट्यूटोरियल में गिवन है, अगर आप इनका ट्यूटोरियल डिटेल में पढ़ते हैं जो प्रोफेसर इंद्रजीत ने शेयर किया हुआ है वहां पर ये सब गिवन है, मैं आपको ट्यूटोरियल दिखा भी देता हूँ एक बार। तो वेल्च टेस्ट हमारा लग रहा है इस पे, एफ वेल्च वैल्यूज आ गई हैं, सारा का इंफॉर्मेशन आ गई है। लास्ट में है क्रुस्कल वैली सेस टेस्ट, आर के अंदर हमारा होता है क्रुस्कल डॉट टेस्ट, ये वैल्यूज आ गई हैं और यहां पे हमें सिर्फ टाइप इज इक्वल टू एनपी करना है, दैट्स इट। तो देखते हैं यही इंफॉर्मेशन कैसे डिस्प्ले करेंगे। क्रुस्कल डॉट टेस्ट जो है नंबर एक तो ये मीडियन पे काम करेगा, मीन की जगह, तो मीडियन 5.96 और 6.3 इसका मीडियन भी हाई है, वैल्यू आई है 19.33 करेक्ट, पी वैल्यू है 6.33 × 10^2 वही वैल्यू है, और इफेक्ट साइज तो बहुत ही कम इफेक्ट है एंड सो ऑन। इन दोनों में फर्क है, इन दोनों में फर्क है, यानी आर रेटिंग वाली बाकियों से थोड़ा सा हायर मीडियन है इसका एज कंपेयर टू अदर। पेयर वाइज टेस्ट डन टेस्ट यूज किया है और सिर्फ सिग्निफिकेंट को दिखाया है, अगर हम यहाँ पेयर वाइज एनएस कर देंगे तो नॉट सिग्निफिकेंट को ही दिखाएगा, यानी इन दोनों के बीच में आ जाएगा, बाकी सिग्निफिकेंट डिफरेंस है। सो दिस इज अबाउट द वन वे अनोवा के जो जो वेरियंट्स हैं ये हमने कर लिए हैं यहाँ पे। नेक्स्ट हम बात करेंगे कोरिलेशन के बारे में। लेट्स स्टॉप हियर, थैंक यू।